इसके बाद मसीह यीशु यरीहो नगर आए। जब वो अपने शिष्यों तथा एक विशाल भीड़ के साथ यरीहो नगर से निकलकर जा रहे थे, उन्हें मार्ग के किनारे बैठा हुआ एक अंधा व्यक्ति तिमाऊ का पुत्र बारतिमाऊ भीख मांगता हुआ मिला। जब उसे ये मालूम हुआ कि वो यात्री नाजरेत वासी मसीह यीशु है, वो पुकारने लगा, दाविद पुत्र यीशु, मुझ पर कृपा कीजिए। उनमें से अनेक उसे पुकारने से रोकने की भरपूर कोशिश करने लगे, किंतु वो और भी अधिक पुकारता गया, दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर कृपा कीजिए। मसीह यीशु ने रुककर आज्ञा दी, उसे यहां ले आओ। तब उन्होंने उस अंधे व्यक्ति के पास जाकर उससे कहा, उठो, आनंद मनाओ, प्रभु तुम्हें बुला रहे हैं। अंधा व्यक्ति बाहरी वस्त्र फेंक उछल कर खड़ा हो गया तथा मसीह यीशु के पास आ गया। मसीह यीशु ने उससे पूछा, क्या चाहते हो मुझसे? अपनी आंखों की रोशनी दोबारा पाना चाहता हूँ रब्बी, अंधे ने उत्तर दिया। मसीह यीशु ने उसे आज्ञा दी, जाओ, ये तुम्हारा विश्वास है जिसके द्वारा तुम स्वस्थ हो गए हो। उसी क्षण उस व्यक्ति की आंखों की रोशनी लौट आई और वो उनके पीछे चलने लगा।